आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी, अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेज की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमिटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को
एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है, अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में जुट की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्माती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखा दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़, ये हमारी सरकार है
जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1,25,000 करोड़, इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी, हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तवारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी, ये विजय देश की विरासत है, ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्रास से आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही गईं। पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, साथ ही साथ विरोधियों पर भी पीएम मोदी ने निशाना साधा। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी ने कहा कि कई बार मूंगी खाने के बाद भी पाकिस्तान ने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है। वो आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास करता है। पीएम मोदी की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया गया, उन्होंने अग्निपथ का लक्ष्य समझाया, साथ ही साथ लद्दाख के जम्मू कश्मीर के विकास का पीएम मोदी ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के विकास के लिए जो बजट है वो 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत पिछले कई सालों से थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 10 सालों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सेना का मतलब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से समझाया गया, गारंटीज का जिक्र पीएम मोदी ने किया। कई बड़ी बातें पीएम मोदी की ओर से अपने संबोधन में कही गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद
वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी दी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। पीएम ने शिंकुनला सुरंग का भी पहला विस्फोट किया है, इस परियोजना का भी शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया गया है। कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा दौरा है वो अपने आप में बेहद खास है। पीएम मोदी की ओर से इस दौरान पाकिस्तान, साथ ही साथ चीन पर निशाना ना सिर्फ साधा गया बल्कि विपक्ष पर भी, पिछली सरकारों पर भी पीएम मोदी ने वार किया। मेरे साथ विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। इससे पहले भी विक्रम सर, मैं आपसे बातचीत कर रही थी, आप अपना अनुभव साझा कर रहे थे, साइकिल से आपने करगिल तक यात्रा की है, कितना समय लगा, कौन कौन आपके साथ गया था, कितनी बड़ी टीम थी, कितने दिन लगे, कितना चुनौतीपूर्ण था ये, चूंकि करगिल का इलाका ही कुछ ऐसा है।